अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मंसूर और आप देख रहे हैं पिक्स एटिक्स की नेक्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कोई रैंडम सी पिक्चर उठाएंगे और उसको एडिट करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम बैक गाइस, मेरे सामने एक पिक्चर मौजूद है और मैंने ये डिसाइड किया है कि इस पिक्चर में मैं ये करूँगा कि इस न्यूज़पेपर को मैं आग लगाऊँगा, ठीक है, और बहुत अच्छी सी पिक्चर में इसको जो है वो तब्दील करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस न्यूज़पेपर को मैं इस हालत में लेके आऊँगा कि इसको आग लगी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले इसकी डुप्लिकेट ले लूँगा, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब यहाँ से मैं ये क्लोन स्टैम्प टूल लूँगा, ठीक है, इसको लिया। अब सिंपली क्या करूँगा मैं कि यहाँ से सैंपल लूँगा और यहाँ जो है ये करना स्टार्ट करूँगा। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि एक एम्प्टी लेयर लूँगा और इसको जला हुआ दिखाने के लिए ब्रश टूल पकड़ूँगा और बी प्रेस करूँगा तो ब्रश टूल पकड़ा जाएगा। उसके बाद कलर को मैं ब्लैक सेलेक्ट करूँगा और सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ जो है वो पेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। हार्डनेस जो है वो मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह फील होगा कि ये जला हुआ है। ये हो गया, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ इसी लेयर पर डबल क्लिक करते हैं और क्या करते हैं कि ये जो अंडरलाइन लेयर है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसके वाइट को ऐसे स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा और करेंगे, आर्ट दबाएंगे और इसको सेपरेट करते हैं। थोड़ा सा ये
ठीक है, ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है कि एक हमें आग वाली तस्वीर चाहिए, तो यहाँ से मैं एक आग वाली तस्वीर ले लेता हूँ। मेरे पास ये तस्वीर पड़ी है, ये तस्वीर ठीक रहेगी। ठीक है, इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इस तस्वीर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ करूँगा। ठीक है, और अब क्या करूँगा कि इसके नॉर्मल मोड को यहाँ से ये स्क्रीन कर दूँगा। इसका साइज़ एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसको छोटा करूँगा। ठीक है, थोड़ा और छोटा करते हैं और इसको ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको सेट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा और नेचुरल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक और मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है, ये पिक्चर देता हूँ। ठीक है, इसको भी उठा के ऐसे लेके आता हूँ और इसको भी स्क्रीन। ठीक है, ये हो गया, इसको एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ, इरेजर टूल पकड़े हुए और इसको यहाँ से इरेज। ठीक हो गया, अब ये देखें काफी नेचुरल जो है ये लग रहा है। यहाँ से इस ब्लैक को जो है वो हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, यहाँ आते हैं और इरेजर टूल पकड़ेंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि इस पिक्चर को थोड़ा सा अब हम क्या करते हैं कि इस पिक्चर को थोड़ा नाइट मोड दे देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं लेयर वन पे और यहाँ से जाएंगे कलर लुकअप। ठीक है, और ये जो है ये नाइट फ्रॉम डे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सही हो गया, अब जाहिर बात है कि आग लगी हुई है तो आसपास थोड़ी रोशनी तो होगी, कुछ इसके फेस पे, कुछ इसके कपड़ों पे और कुछ नीचे भी इर्द गिर्द जो है वो रोशनी तो पड़ ही होती है। तो वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर जाएंगे और ये सॉलिड कलर को ले लेंगे। ठीक है, सॉलिड कलर में हम यहाँ से ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, और इसके नॉर्मल मोड को ये कलर कर देंगे। ठीक, ये हो गया, और अब हम क्या करेंगे कि इसके मास्क को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल आई करके इसको इन्वर्ट कर देंगे। अब ब्रश टूल का इस्तेमाल करेंगे, thank you.
ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी जो है वो कम कर देंगे ताकि थोड़ा जो है वो नेचुरल दिखाई दे। अब इसकी लाइट थोड़ी और बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कर्व्स ले लेते हैं, थोड़ा सा इसे ओके। और यहाँ से क्या करेंगे, इसी मास्क को यहाँ कॉपी कर देंगे, आर्ट की दबाएंगे और इस मास्क को उठा के ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अब इसको और अच्छी लुक देने के लिए हम कैमरा रॉ फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी एक कॉपी बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई प्रेस करेंगे, तो जो भी हमने अभी तक इस पे काम किया है उसी की एक कॉपी बन के हमारे पास आ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है कि फिल्टर में जाना है और ये कैमरा रॉ फिल्टर, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा जो है वो स्लाइडर्स के साथ खेलते हैं, कंट्रास्ट ही ठीक है। उसके बाद क्लैरिटी जो है वो उसको बढ़ा देते हैं, से थोड़ा सा इस एरिया को कवर करेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और ये है हमारी फाइनल पिक्चर। सो कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, इस ये पिक्चर जो है वो आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि तमाम अपडेट्स जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भी ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।